अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हसीन शाम को यादगार बनाने के लिए देश विदेश में मशहूर जादू की दुनिया के बादशाह जादूगर अकबर अब पेश करने जा रहे हैं अपना फेमस आइटम मैजिक ऑफ म्यूजिक। दिल थाम कर बैठिए, पेश है जादूगर अकबर का मैजिक ऑफ म्यूजिक। अचानक गांव का एक नन्हा मासूम लड़का भीम कहीं से दौड़ता घबराता चिल्लाता हुआ आया और बाबा से कहने लगा, मोगन साधु, मोगन साधु, मोगन साधु, मोगन साधु, मुझे बचा लो मोगन साधु। आप क्या है भीम? दुश्मन के सैनिक मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे बचा लो मोगन साधु। घबराओ मत भीम, मैं अब थक चुका हूं और नहीं दौड़ सकता। कहां जाना चाहते हो तुम? माँ बाप के पास जाओगे? जरूर जाओ, आओ यहाँ आओ, मेरी जगह पर बैठ जाओ। भीम बैठू? वो तो पीछा कर रहे हैं मेरा। घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे पास, आओ आओ, बिल्कुल घबराओ मत भीम, लेट जाओ लेट जाओ, आंखें बंद करो भीम, आंखें बंद करो। और ध्यान धरो उस जगह का, ध्यान धरो उस जगह का भीम, जहां तुम्हें पहुंचना है, ध्यान धरो उस जगह का जहां तुम्हें पहुंचना है। आहिस्ता पास।
एंड जेंटलमैन, ये था मैजिक ऑफ इल्यूशन। तुम इतना क्यों डर रहे हो रंजू? वो तो सिर्फ जादू था, जादू। और जादू सिर्फ आंखों का धोखा होता है भाई। कमाल की बात है रंजू, मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें इतने डरते हुए देखा। बिल्कुल किसी छोटे से लल्लू से बच्चे की तरह, गुल्लू। हाँ, अरे पगले, वो सिर्फ जादू था, जादू। और जादूगर अकबर भी इंसान है, शैतान नहीं है, समझ रहे हो? चलो अभी चलो मेरे साथ ऊपर चलकर सो जाओ। चलो चलो, आओ इधर, आओ इधर, आ जाओ। चलो तो उतरने दो। हाँ चलो, ऊपर चलकर प्यार करते हैं। हाँ, गुड नाइट किसी किसी। हाँ, नॉट मिसी मिसी। चलो, गुड मैन दी लंडन एंड ग्रैन। रेंचो, तेरा फोन ले लो। क्या राजा साहब है घर पर? जो कल रात घर घर के टीवी सेट पर छाए रहे। जी हाँ, उसे नाचीज का नाम अकबर है। नाचीज? कैसी बात कर रहे हैं अकबर साहब आप? आप तो जादू की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, कहिए कैसे याद किया? उम्र गुजारी है लोगों को कर्तव्य दिखा के, लेकिन हाल ही में मुझे कोई अपना कर्तव्य दिखा गया। मुझसे मेरी ऐसी चीज छीन कर ले गया जिसके बगैर मैं अधूरा हूं, मेरा जादू अधूरा है। आपकी जादू की छड़ी? हाँ हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा था उसके बारे में। तो आप इस हादसे से वाकिफ हैं? जी अकबर साहब, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब तक वो जादू की छड़ी आपको मिल गई होगी, इसीलिए। मिली नहीं है, लेकिन मिल जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपना चाहता हूं। जी मुझे? फोन पर तो आपको मैं ज्यादा कह नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, फौरन सिटी हॉल चले आइए, वहीं पे मैं आपको सब समझा दूंगा। जी जनाब, पहुंचते हैं। उठिए जनाब रंजो साहब, सुबह हो चुकी है, बादशाह अकबर का पैगाम आया है आपके लिए, जल्दी ना करता। अरे ये क्या हो रहा है? तकिया रखो या कुछ भी, मुंह छुपाओ, सोने नहीं दूंगा, अभी बता रहा हूं। कमान कमान, आई एम गेटिंग रेडी। हा आदमी ने तो यही कहा था कि वहीं कहीं मिलेंगे, लेकिन यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे कोई है? अकबर साहब, रंजो, अकबर साहब। मैं यहां हूं राजा साहब। जहे नसीब जो राजा और रंजो हमारे यहां आए हैं। भाई कमाल की बात है अकबर साहब, अभी अभी हम लोग यहां से गुजरे, लेकिन हमें यहां कोई दिखाई नहीं दिया।
आखिर ये माजरा क्या है? राजा साहब मैं यहाँ हूँ। कुछ भी कहिए अकबर साहब, आपका जादू वाकई कमाल का है। घबराइए नहीं राजा साहब, एक बार आप हमारा काम कर दीजिए तो ये जादू से भी हम आपको वाकिफ कर देंगे। जहां तक मेरा सोचना अकबर साहब, आपका ये जादू उन तीन प्रोजेक्टर्स की वजह से संभव हो सका है जिन्हें आपने यहां फिक्स किया है। पहला प्रोजेक्टर यहां कहीं है और दूसरा प्रोजेक्टर मेरे हिसाब से वहां होना चाहिए और तीसरा प्रोजेक्टर ऊपर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे आप जैसे इंसान की जरूरत थी। मुझे लगता है आप मेरा काम जरूर कर दोगे, मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस ला दोगे। लेकिन ये छड़ी? राजा साहब ये छड़ी तो नकली है। रेंचो शकल बंदर की अकल इंसान की है। जी नहीं अकबर साहब, दरअसल ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है रेंचो, इंसानों से कहीं ज्यादा सही। देखिए ना, आपको देखकर डर रहा है, कहीं आप अपने जादू से इसे गायब ना कर दें। नहीं 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 रेंचो, मैं जादूगर हूँ, हैवान नहीं हूँ। रेंचो, अरे रेंचो, हाथ मिलाओ। कोई जरूरत नहीं राजा साहब, अभी तो हमारी दोस्ती भी कहाँ हुई है। एक बार दोस्ती हो जाने दो तो रेंचो हमारा हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, क्यों रेंचो? अखबार में आपकी इस खबर के बारे में पढ़ा था लेकिन तफसील से कुछ जान नहीं पाए। कामयाबी दुश्मनी की माँ का नाम है। जब इंसान कामयाब होने लगता है उसके दुश्मन भी कहीं पैदा हो जाते हैं। लेकिन अकबर साहब, आपकी दुश्मनी किससे हो सकती है? होगा कोई पैसों का लालची। पैसे? हाँ, मेरी उस जादुई छड़ी में कीमती हीरे और जवाहरात जड़ित थे। जादुई छड़े का गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मुझे याद है उस दिन मेरा शो खत्म हुआ। आज का शो तो बहुत बढ़िया गया, ऑडियंस भी अच्छी थी, हाउस भी अच्छा था। क्या रिस्पांस दे रही थी पब्लिक। इसी तरह जो कलेक्शन आता रहा ना, कंपनी को तो फायदा ही फायदा है, समझ लेना। जादूगर अकबर, मेरी माँ बहुत बीमार है जादूगर, मेरे साथ चलकर मेरी माँ को बचा लीजिए, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। अरे भाई बेवकूफ जैसी बातें मत करो, मैं जादूगर हूँ डॉक्टर नहीं। जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करा, जा। नहीं ऐसा मत कहिए जादूगर, आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको लोगों को जिंदा करते हुए देखा है, मुर्दों को आप काट कर फिर से जिंदा कर देते हैं। जादूगर मेरे साथ चलकर मेरी माँ को बचा लीजिए जादूगर, मैं आपके पैर। अरे पैर छोड़ यार, पैर छोड़। नहीं मैं आपके पवित्र पैर नहीं। अरे मैं जादूगर हूँ भाई, जादूगर पर खुदा नहीं कि तुम्हारी माँ को जिंदा कर दूंगा। आपको मेरे साथ चलना होगा जादूगर। यार तुम मेरी बात छोड़, छोड़ दो। नहीं मैं जादू छड़ी लगा, पकड़ो मेरी जादू छड़ी लगा। अकबर साहब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे ये भी खबर मिली है कि इसके पीछे ब्लैक पैंथर गैंग का हाथ है। ये खबर आप तक पहुंची कैसे? इसी अनजान आदमी ने मुझे चिट्ठी भेजी है, इसमें साफ लिखा है 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लैक पैंथर वो मेरी जादुई छड़ी विदेश भेज देने वाला है। राजा साहब आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे जादुई छड़ी की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र उस बात की है इसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। राजा साहब 24 घंटे मेरी इज्जत का सवाल है, ये मेरी जादुई छड़ी मुझे वापस ला दीजिए। ये रहा, ये हवाई जहाज का टिकट भी है, जल्दी पहुंचे राजा साहब, ये ब्लैक पैंथर अपने हाथ से निकल ना जाए। लेकिन अकबर साहब आज तक मैंने कोई भी काम रेंचो के बगैर नहीं किया है। और रेंचो की फिक्र मत कीजिए, रेंचो मेरे पास रहेगा ना, सही सलामत रहेगा। दादी माँ भी यहाँ आ रही है और रेंचो के वैक्सीनेशन भी बाकी है। जरा फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ही काम करूँगा। Thank you very much, Raja Sahab. Chalo, Rancho. Come on, come with me. Jadugar Akbar chalayega chakkar. Ye diary bhi rakh deta hu.
रंचो, ए रंचो, देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे जाना तो है। इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, इधर आओ, वाह एंगे वाह। वेरी गुड, सारी लैंग्वेजेस समझते हो रंचो तुम। मैंने इंस्पेक्टर कुमार को इन्फॉर्म कर दिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। और फिर दादी मैं अभी कल आ ही रही हैं। देखिए अभी गुस्सा मत, ये ठीक है कि हम जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। मैं जानता हूं तू होशियार है, पर फिर भी अपना ध्यान रखना। ओके, फ्रिज में खाना रख दिया है मैंने, सब तेरी पसंद के आइटम है, चॉकलेट भी है, लेकिन चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना, तुझे बता रहा हूं। हाँ, दांत खराब हो जाते हैं उससे। ए, अब इसमें इतना मुंह सुजाने की क्या बात है, मुंह फुलाकर बैठा है। अरे मैं बात कर रहा हूं इधर और तू देख रहा है उधर, ये भी कोई तरीका हुआ? अरे मेरी जान, दोस्त जा रहा है, जरा उसको ठीक से खुश होकर विदा करो। और फिर 24 घंटे की तो बात है, चलो अब मैं चलता हूं। ये एक चीज इंपॉर्टेंट मैं तुझे बता देता हूं, इंस्पेक्टर कुमार का नंबर इसमें डायल कर देता हूं, ओके? जब भी जरूरत हो, कोई परेशानी हो तो रीडायल कर देना। 6 3 ओके, रीडायल, राइट? इधर रखता हूं, इसको छेड़ना नहीं अभी। चलो चलो रंचो, अब क्या है रंचो? ओ माय स्वीट हार्ट रंचो, यू आर रियल जैम। अब जरा मुस्कुराते हुए अपने होंठ खोलते हुए मुझे बाहर तक भी छोड़ा, आ जाओ। गुड बॉय रंचो, कम ऑन। रंचो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाहर अकेला जाकर खुश हो रहा हूं? नहीं रंचो, दरअसल मुझे हमेशा तुम्हारी फिक्र सताती रहेगी, और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है, ध्यान से रहना, अभी जीप मत हिलाओ पूरी, ये सुनो, स्टार्ट हो जाएगी ऐसे ही। तुम जाओ नीचे, चलो चलो अंदर जाओ। यस, देखो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम जाओ, चलो निकल। Fire on this room, my eyes closed. To infinity and beyond.